भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को कांग्रेस ने गुमराह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे के अनुसार अब तक 10 मुख्यमंत्री बदले जाने थे। आपका आवेदन मिला है, लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। एक तरह से लाखों किसानों को अलग अलग मोबाइल पे मैसेज गए, एसएमएस किए गए, एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 घंटे में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं और उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री। आपका आवेदन मिला है, लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। एक तरह से लाखों किसानों को अलग अलग मोबाइल पे मैसेज गए, एसएमएस किए गए, एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 घंटे में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। दिल्ली ब्यूरो हेड अरविंद खोकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरविंद जी, जमकर बरसे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार पर और साथ ही इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों की जो माफी है, कर्ज माफी, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था और जो विश्लेषण करता है उनका मानना भी है कि जो कांग्रेस ने जो वादा किया था किसानों का कर्ज माफ करने का, उसका फायदा भी उनको मिला, जिसके चलते इन्हीं 3 राज्यों में सरकार बन पाई। और राहुल गांधी बार बार अपनी जो जिनकी रैलियां होती थी चुनावी रैली विधानसभा चुनाव से पहले, उनमें कहते थे कि 10 घंटे या 6 घंटे के अंदर जो है सरकार बनने के बाद किसान माफी जो कर्ज माफी हो जाएगी। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो है निशाने पर पहले भी रहे हैं कमलनाथ, लेकिन आज उन्होंने बेहद तीखा हमला किया है राजधानी से। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये की चुनावी प्रपंच है जो बेवकूफ, जो किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उसमें सारी चीजें इन्होंने एक तरह से, जिसको ये कहा गया है कि ये जो चुनाव होंगे जो लोकसभा चुनाव है, इसमें फिर से बेवकूफ ना बनाया जाए और ताकि जो किसान सावधान रहे। कहीं ना कहीं जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो वोट बैंक है उनका अपना, उसमें से ना लगा पाए कांग्रेस किसी तरह से, और जो किसान नाराज होकर। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान ने न केवल मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और ये भी कहा है कि भैया अब तक तो 10 मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए थे। बड़ा सवाल यह है कि अगर हम मीडिया, कई न्यूज चैनल और कई मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान कर्ज माफी के तहत, उनका भी 70,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ और इसको लेकर भी कांग्रेस सरकार ने मुखर होकर और कांग्रेसियों ने उनको भी घेरा कि भाई अगर कर्ज माफ नहीं हो रहा होता तो फिर आपका 70,000 का कर्जा कहां से माफ हो गया, इसको लेकर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? नहीं, देखिए अभी तो कैसे नहीं, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान हमलावर हैं मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उसे साफ जाहिर है कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरह से जो कांग्रेस जो किसान है उनके जो वोट उसको जो कांग्रेस को चले गए थे विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई वहाँ, ये लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो पाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान बेहद तीखा हमला कर रहे हैं और लगातार पहले दिन से चुनाव हारने के बाद से पहले दिन से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।